हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू स्पून्स ऑफ ऑयल। आज बनाएंगे हम एक बहुत ही सिंपल सा और झटपट बनने वाला इजी केक, एंड दैट इज़ अ चोको बनाना केक। चॉकलेट बनाना हमेशा घर में अवेलेबल होता है, तो देखें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए होगा इस केक के लिए पाउडर्ड शुगर, बेकिंग सोडा, कोकोआ पाउडर, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट, होममेड कर्ड या दही, मैश्ड बनाना एंड ऑल पर्पज़ फ्लोर या मैदा। एक मिक्सिंग बाउल में सारी की सारी क्वांटिटी ऑफ दही ऐड कर दो, क्वांटिटीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। उसके बाद इसके चीनी ऐड कर दो इसमें, और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करो कि कोई लम्ब्स ना बचे। उसके बाद ऐड करेंगे हम बेकिंग सोडा। इस स्टेज पे हमें बहुत ध्यान देना है कि हमारी जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छे से मिक्स होके रेडी होना चाहिए। जब हम इसको मिक्स कर रहे होंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसके ऊपर थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं। बबल्स वाली स्टेज पे आपको इस मिक्सचर को 5 मिनट्स तक रेस्ट करना है। 5 मिनट तक इस मिक्सचर को आप छोड़ दीजिए। अब आप ऐड करिए सारी क्वांटिटी जो कि थी हमारे पास मैदे की, मैदा नहीं तो ऑल पर्पज़ फ्लोर। सारी क्वांटिटी हम इस मिक्सचर में डाल देंगे। आप देखोगे नीचे बबल्स बन रहे हैं उस मिक्सचर में, हमने 5 मिनट इस मिक्सचर को छोड़ा था। मैदा डालने के बाद सारी की सारी क्वांटिटी जो ये हमारा कोकोआ पाउडर है वो हम डाल देंगे। कोकोआ और बनाना का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद डालेंगे बेकिंग पाउडर हमारे केक को अच्छे से फ्लफी बनाने के लिए, और फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए सॉल्ट। अब मिक्स मिक्स मिक्स, सारा मिक्सचर अच्छे से आप मिक्स करिए। कोशिश करके एक ही डायरेक्शन में जाइए, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते रहो, लम्प्स नहीं बनने चाहिए। जब आप मिक्स करोगे तो देखोगे अभी मिक्सचर जो है थोड़ा सा हार्ड है। इस मिक्सचर में हम क्या डालेंगे, हाँ 2 चम्मच तेल, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डालेंगे। केक बनाने के लिए मार्केट के केक में बहुत ऑयल होता है, बट घर का हेल्दी केक कम ऑयल में भी बन सकता है। जब आप इसको मिक्स करोगे तो आप देखोगे ये अच्छे से बाइंड हो रहा है मिक्सचर। अब हमने क्या किया है, हमने इसको मिक्स करने के बाद हमारा ऑयल का रिप्लेसमेंट है ये मैश्ड बनाना। अब ये जो केला है बनाना, इसको अच्छे से आपको मैश पहले करना है कि इसमें कोई लम्ब्स ना हो, इसमें कोई गांठें ना बची हों। इसको मिक्सचर में डालिए और अच्छे से मिक्स करिए एक ही डायरेक्शन में। आप मिक्स करते रहेंगे तो देखो इसका कितना ब्यूटीफुल सा कलर आया है, कहीं से तक पता नहीं चल रहा आपको केला है। जिन लोग को केले का फ्लेवर एसेंस पसंद नहीं है वो इस स्टेज पे 2 बूंद वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला है, ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं अगर आपको बनाना एसेंस नहीं पसंद है तो। बेकिंग ट्रे रेडी करनी है, हमने इसको ग्रीस कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसके बाद मैदा लगाएंगे और टैप करके हर साइड पे इक्वली इसको पाउडर को डस्ट कर देंगे। मेरी बेकिंग ट्रे रेडी है, इस पे मैंने वो मिक्सचर डाल दिया है। आप कंसिस्टेंसी देखो, इट हैज़ टू बी अ वेरी नाइस थिक कंसिस्टेंसी। इसमें सारा का सारा मिक्सचर अब मैं डाल दूंगी। मेरा ओवन वहाँ पे प्री हीट हो रहा है 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट से, वो प्री हीटेड है। केक बनाते हुए बहुत ज़रूरी है कि आपका ओवन जो है प्री हीटेड हो। टैप करो आपकी बेकिंग ट्रे को ताकि जो भी अंदर एयर बबल्स ट्रैप्ड है वो निकल जाएंगे। 15 मिनट के लिए अब मैं इसको बेक होने के लिए रख दूंगी, 15 मिनट के लिए। अब 15 मिनट हो गए हैं, हम टेस्ट करते हैं। अगर ये एकदम क्लीन निकलता है मतलब माय केक इज़ रेडी। ये आपके सामने केक है, ब्यूटीफुली कितना अच्छा कलर है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली रेडी। आप इसे मिल्क शेक के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सारे इन्ग्रीडियंट्स आपके घर में ईजिली अवेलेबल होते हैं, झटपट बनने वाला ईजी केक और हेल्दी भी। With that, I'm signing off. I'll see you with some more easy recipes soon. Till then, bye-bye.